अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी CIRG में हूँ इस वक्त में, और काफ़ी सारे बच्चे जमुनापारी के देखने मिले हैं मुझको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जमुनापारी की काफ़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे हैं। देख सकते हैं आप, जमुनापारी के बच्चे तकरीबन 2 से 3 महीने के, 3 महीने से भी ऊपर के बच्चे हैं ये। अभी सभी ये बच्चे चने का भूसा खा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ये, ग्रीजिंग पर नहीं जाते हैं यहाँ पर। काफी बच्चे, तकरीबन 40 या 50 बच्चे होंगे। देख सकते हैं आप, काफी सारे बच्चे हैं। काफी बच्चे मुझे गुलाबी स्किन के दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ ब्लैक फेस के भी हैं। देख सकते हैं आप, काफी, अगर हमारा भाई कोई यहाँ CIRG आना चाहता है तो मथुरा से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है इंस्टीट्यूट। आपको ट्रांसपोर्ट से इजीली वहाँ से रिक्शे वगैरह भी मिल जाएंगे, काफी सारी बस वगैरह भी चलती हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में देखने मिलेंगे आपको जमुनापारी, बरबरी, जखराना, सिरोही, काफी अलग अलग नस्लें। ये इंस्टीट्यूट फरे के नज़दीक में ही एक गांव है, वहां पर स्थित है। फरे से तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है इंस्टीट्यूट। काफ़ी बड़े एरिया में है ये इंस्टीट्यूट, और जमुनापारी ब्रीड का ये सेक्शन है। सेक्शन यूनिट अलग अलग दिए हैं यहाँ पर। जमुनापारी का यूनिट अलग है, और जखराना का अलग है, बरबरी का अलग है, एक सीप का यूनिट और है यहाँ पर जो कि मुजफ्फरनगरी सीप है। काफ़ी अच्छी सीप होती है वो, दाने चारा बहुत खाती है और बॉडी वेट बहुत काफ़ी गेन करती है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगरी ब्रीड है ये भी हमारे यूपी की ब्रीड है। ये बहुत लार्ज ब्रीड होती है, इसका बॉडी वेट 1 साल में मेल का हो जाता है 50 से 55-60 किलो के लमसम, और ये लंबी दुम वाले होते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने के मिलेंगे। अगर हमारा कोई भी भाई आ सकता है यहाँ पर, आगरा से भी आ सकता है, मथुरा से भी आ सकता है। मथुरा से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, आप आ सकते हैं। 20 से 30 मिनट लगेंगी आपको यहाँ पहुँचने में, काफ़ी आसान है यहाँ पर पहुँचना। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं मुझको यहाँ पर जमुनापारी यूनिट के। अगर हमारा कोई भी भाई आना चाहता है विजिट कर सकता है यहाँ पर आके। और ये सभी बच्चे जो हैं सेल के लिए नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ इनके जो रिकॉर्ड वगैरह रहता है उनके लिए प्रोडक्शन कराते हैं। और ये सभी जानवर एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार होंगे, इसमें से कुछ सेलिंग के लिए भी निकाल देंगे और कुछ अपने ब्रीडिंग के लिए मेल भी निकाल देंगे, और कुछ वैल्यू रेट पर भी यहाँ पर जानवर दे देते हैं किसी को। एक दो फार्मर आता है, कोई नया फार्मर आता है तो दे देते हैं, पर ज़्यादा जानवर यहाँ से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्म है। ये सभी जानवर अपने रिसर्च के लिए रखते हैं, और ये सभी जानवर जमुनापारी के हैं क्योंकि जमुनापारी काफ़ी अच्छी ब्रीड है, और इसको इंडोनेशिया में भी पाला जा रहा है कई जगहों पर। और ये ब्रीड इंडोनेशिया में भी अडेप्ट हो गई है, हमारे इंडिया से ही गई है, और वो अपने इस तरीके से अपने उधर पाल रहे हैं। ब्लैक कर दिया है हमारे यहाँ से ले जाके उसको, काफ़ी अच्छा ब्रीड बनाया है उन्होंने भी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी, अगर हमारा कोई भी भाई आना चाहता है तो आ सकता है इस इंस्टीट्यूट में, और यहाँ विजिट करें आके, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लें यहाँ आके। यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ कराते हैं ये लोग, ट्रेनिंग के ऊपर भी हम एक वीडियो बना लेंगे इनका, तो डेट उसमें हम बताएंगे आपको किस डेट में इनकी ट्रेनिंग है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अभी, आप लोग अपना ख्याल रखें, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।